हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त मुजम्मिल और हुसैन। मैं हूं आपका दोस्त दानिया राजपूत और आप देख रहे हैं मुजम्मिल दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। हम कुछ दिनों से नोट कर रहे हैं, कुछ दोस्त कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज इजीली हमारे फेसबुक पेज को वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज लाजमी 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 फॉलो कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। आज हम जिस गाने पर बात करने वाले हैं उसका नाम है अख दा नशा। ये जो मशहूर टिकटॉकर है रीका हक, ये इस गाने में अब पता नहीं एक्टिंग करेंगी या गाना गाएंगी। और वैसे आप बताते जा रहे हो जो मेल सिंगर हैं उसका नाम है शेरोज खान, और जो इस में म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और जो लिरिक्स और कंपोजर हैं वो एक ही इंसान है जिसका नाम है हसन बादशाह। मेरे को लगता है इनको बादशाह बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी जगह अब उन्होंने अपने आगे बादशाह लगा दिया। तो भाई किस टाइप का गाना होने वाला है ये अखदा नशा? रोमांटिक होगा अखदा नशा मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिरोज खान हमारी ये प्यारी हरिका हक पर लाइन मारेगा, मेरी हरिका हक पर लाइन मारेगा। भाई यार ये तो गलत बात है नहीं, ना। बड़ी क्यूट सेलिब्रिटी है रिका, बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत है यार, मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है यार इस वीडियो को, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इनका अब ये किसी गाने पर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो अब चलते हैं अपनी वीडियोस की जाना। लेट्स लेट्स गो। गो। तेरी अख दा नशाज चढ़िया, तेरी अख दा नशाज चढ़िया के हथों जाम ढुल ही गया। सुनिए के मैं खाना भुल ही गया, तेरी अख दा नशाज चढ़िया के हथों जाम ढुल ही गया। सुनिए के मैं खाना भुल ही गया। होर अखियां ना तीर केड़ा मारिया, दिल साड़ा तेरे अगे हुण बस हारिया। साखिया वे जाम हुण साडे लई तू रहण दे, अखां तेरियां दा नशा सानू लैण दे। तैनू तक तक के मन नहीं ओ परिया, तैनू तक तक के मन नहीं ओ परिया के हथों जाम ढुल ही गया। सोणिए के मैं खाना भुल ही गया, तेरी अख दा नशा इंज चढ़िया के हथों जाम ढुल ही गया। सुनिए के मैं खाना भुल ही गया। साकिया ने पीता बोतल तू अद नशा तेरे नैना कीता। तेनू तक के सानू मिल दस रूर वे, दस दे तू साडा कोई है कसूर वे। तेरा इश्क ऐसा दिल विच वड़िया, तेरा इश्क ऐसा दिल विच वड़िया के हथों जाम ढुल ही गया। सुनिए के मैं खाना भुल ही गया, तेरी अख दा नशा इंज चढ़िया के हथों जाम ढुल ही गया। सुनिए
भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो शूट की गई है ये पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में की गई है, मेरे को तो ऐसे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि ये जो लोकेशन थी आप देख सकते हैं होटल्स वगैरह में, आप 5-star होटल पाकिस्तान में भी है भाई, तो आप शूटिंग कर सकते हैं, तो उधर इस तरह की लोकेशन मिल जाती लेकिन है। मेरे को और ये कोई एक वो जो मोटरसाइकिल वाला से जो लोकेशन थी वो तो आप पार्क वगैरह में कहीं भी खुद डेकोरेट कर सकते हैं, सकते हैं वो। और एक आप रात में लाइटेज लगा कर ऊपर आप स्नो फॉलिंग कर सकते हैं आप खुद, मगर ये है कि क्रिएट करना हम बोल रहे हैं बहुत इजी लग रहा है, हाँ हाँ। मगर क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है ये चीजें, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि पाकिस्तान के गाने का में ना ये मेरे को सबसे अच्छी वीडियो लगी, क्यों लगी, ये गाने के हिसाब से लोकेशंस बहुत अच्छी थी, अच्छी वीडियोस मतलब बहुत कमाल का वीडियो था, और जिस तरह ये गाने को चाहिए थे वो डेफिनेटली हर चीज मुकम्मल भी दी गई। बिल्कुल। और इसमें ड्रेसिंग अगर आप देखी जाए तो 4-5 दफा चेंज की गई है, ड्रेसिंग अच्छी लगी है मेरे को, लड़के की पर्सनैलिटी जैकेट पहनी ना वो, तो मेरे को लगता है ये शेरोज खान जो है ये खुद ही इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं मेरे को लग रहा है, वो शेरोज खान ही मेरे को लग रहे हैं, तो मतलब अगर तो ये पाकिस्तान में बहुत कमाल है, अगर बहुत कमाल किया, अगर ही तो ये पाकिस्तान में बनी है ना वीडियो फिर तो बड़ी जबरदस्त है, फिर बड़ी मतलब की कह लो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इतनी हाई क्वालिटी की हाई जबरदस्त वीडियो बनाई है इन्होंने, बहुत जबरदस्त। वैसे अगर अक्सर पाकिस्तानी को गाने हम सुनते हैं ना उनकी वीडियो से, ये उनकी वीडियो से ही पता लग गया था कि ये पाकिस्तान में बना यार, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये एंड वाला जो सीन है ये तो आप ले सकते हैं ना कहीं से भी, हाँ। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप ले सकते हैं, मगर मैं कह सकता हूँ ये जो लोकेशन मेरे को लगती है ना, मेरे दिल जो कहते हैं ये हमारी लोकेशन पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद है ना वहां पर ली गई है, आपको इस तरह के होटल्स वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर स्नो फॉलिंग अगर आप खुद नहीं वो तो स्टूडियो में भी हो जाती है यार, वो जिस तरह उन्होंने किया वो तो मेरे को तो शक भी यही पड़ रहा है वो स्टूडियो में रखी हुई है, स्टूडियो में नहीं वो मेगा से बाहर है किसी जगह पर, उधर स्नो फॉलिंग उन्होंने की हुई है, सेट किया हुआ है, क्योंकि नेचुरल उधर जो है ना जो रोशनी आ रही है वो नेचुरल मेरे को लग रही है, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है वो ऐसा, तो कमाल गाना बड़ा जबरदस्त था, और रिका ने एक्टिंग अच्छी की है, मतलब ये नहीं कहते रोमांटिक एक्टिंग कर सकते हैं तो अच्छी की है, और शेरोज सबसे मेरे को बेस्ट जो लगी है ना वो शेरोज खान की मेरे को पर्सनैलिटी जबरदस्त दिखाई गई है, पर्सनैलिटी और उनके ड्रेसिंग मेरे को बहुत जबरदस्त लगी है। अगर आप भी ये गाना सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप इजीली वहां पर जाकर ये गाना सुन सकते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप प्लीज वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें ताकि हम मजीद आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।